नमस्कार। आज हम फिर से उपस्थित हैं संदेह नामक कहानी के मध्य भाग में। आज हम इस कहानी के मध्य भाग की चर्चा करेंगे। श्यामा राम निहाल के सामने बैठी है। राम निहाल अपनी सारी कथा अपने बारे में बता रहा है। राम निहाल के मन में जो है वह उसे बता नहीं पाता। श्यामा अंत में उससे कहती है कि व्यर्थ ही इतना समय बर्बाद कर रहे हो, सही बात या जो बात कहनी चाहिए वह नहीं बता रहे। श्यामा और भी कुछ कहना चाहती थी पर अचानक ही रामनिहाल ने फिर से शुरू कर दिया, यानी रामनिहाल ने अपनी पुरानी कहानी बतानी शुरू की। रामनिहाल कहता है कि वह श्यामा को अपना शुभचिंतक, मित्र और रक्षक समझता है। अगर वह उससे नहीं कहेगा तो वह किससे कहेगा। अब वह अपनी पुरानी कथा उसे बताने की कोशिश करता है। वह कहता है कि कामकाज से छुट्टी लेकर वह एक दिन दशाश्वमेध घाट जाने वाला था। तभी ब्रजकिशोर बाबू, जो रामनिहाल के दफ्तर के मालिक थे, वे आए और उन्होंने कहा कि रामनिहाल, आप तो गंगा किनारे जा ही रहे हैं, मेरे संबंधी आए हैं, क्या आप उन्हें अपने साथ घुमाने ले सकते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा काम है। अपने मालिक की बात रामनिहाल काट नहीं सका और रामनिहाल ने यह स्वीकार कर लिया और ऑफिस में ही बैठा रहा। थोड़ी देर बाद घर के अंदर से दो व्यक्ति, एक मनोरमा सुंदर स्त्री और दूसरा उनका पति मोहन बाबू बाहर निकल कर आए। ब्रजकिशोर बाबू, उन्होंने अपने ज्ञान का पिटारा खोला और कहा कि मान मंदिर घाट पर बजरा जो है वह सही है, निहाल जी आपके साथ जाएंगे, कोई असुविधा नहीं होगी, मुझे क्षमा कीजिए। अब इस बात को सुनकर मोहन बाबू थोड़ा नाराज हो गए, परंतु मनोरमा के चेहरे पर कोई नाराजगी नहीं, बल्कि मनोरमा ने खुशी खुशी कहा कि ठीक है, आप काम कीजिए, हम तब तक घूम कर आ जाते। रामनिहाल ने पहले देखा ही था कि मनोरमा एक सुंदर स्त्री है, उसके इस तरह से राजी हो जाने पर भी रामनिहाल को थोड़ा अजीब सा लगा। अब तीनों मान मंदिर घाट पहुंच गए। बजरे पर चांदनी बिछी थी। मोहन बाबू सीधा जाकर बजरे के ऊपर बैठ गए। पैड़ी लगी थी। मनोरमा को चढ़ने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी, मानो लग रहा था कि वह डर रही है, परंतु उसे देखकर रामनिहाल ने उसको ऊपर बढ़ने की तरफ हाथ बढ़ा दिया और मनोरमा ने भी रामनिहाल का हाथ बेझिझक पकड़ लिया। ऊपर तो रामनिहाल ने उसे खींच लिया, परंतु जैसे ही वह रामनिहाल के पास पहुंची, रामनिहाल के कानों में मनोरमा ने यह कह दिया कि मेरे पति पागल बनाए जा रहे हैं और कुछ कुछ हैं भी, तनिक सावधान रहिएगा, नाव की बात है। शायद उसकी मंशा रामनिहाल को यह बताने की होगी कि उनके पति थोड़े अलग तरह से हैं, तो नाव में सभी जा रहे हैं तो कहीं कुछ गलत ना हो जाए। परंतु एक अनजान स्त्री का अचानक रामनिहाल के इतना करीब आ जाना और उसकी सांसों को अनुभव करना रामनिहाल के लिए
बड़ा ही उत्सुकतापूर्ण था। वह उत्सुक हो गया, फिर भी उसने अपने मन को शांत किया। बजरा आगे बढ़ रहा था गंगा की धारा में और घाट पर कई आकाशदीप जल रहे थे, छोटे छोटे दीपक शाम के अंधेरे में या रात के अंधेरे में बड़े ही सुंदर दिखाई दे रहे थे। मोहन बाबू, जिनके बारे में मैं पहले ही बता चुका था कि वे एक साहित्यिक किस्म के व्यक्ति थे, उनका चरित्र वे साहित्य से पूर्ण था। इन दीपकों को देखकर मोहन बाबू को बहुत ही अच्छा लगा, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसी वक्त अपनी पत्नी से वे पूछ बैठे कि देखो मनोरमा, इन दीपदानों का क्या मतलब है, क्या जानती हो? लेकिन मनोरमा के लिए वह बस गंगा जी की पूजा थी। इस बात को लेकर भी उनके मन में, उनके भीतर मतभेद शुरू हो गया, क्योंकि मोहन बाबू ने यह कहा कि यहीं पर उनका और उनकी पत्नी का मतभेद है। उनका मानना था कि जो जीवन, ये जो दीपक जलाए गए थे, ये मनुष्य का अपने जीवन को ईश्वर के समीप समर्पित कर देना, कर देने का भाव है। अर्थात जिन लोगों ने दीपक जलाए हैं उन्होंने अपने जीवन नैया को गंगा की धारा में समर्पित कर दिया है, ईश्वर से प्रार्थना की है कि हे प्रभु, हमारे जीवन को जितनी आगे हो सके ले सके। मनोरमा ने लेकिन उनकी इस बात को कुछ अलग ही तरीके से सोचा और रामनिहाल के कानों में फिर से कह दिया कि देखा ना आपने, अर्थात मतलब क्या है कि देखा ना आपने किस तरह से बातें करते हैं। रामनिहाल चकित हो रहा था, क्यों? क्योंकि मनोरमा जो उसके लिए एक अनजान स्त्री थी, वह बार बार उसके करीब आकर उसके कानों में कुछ कह रही थी। चलिए अगर हम फिर बात करें, अब मोहन बाबू ने फिर से मनोरमा को देखकर एक प्रश्न पूछ दिया और कहा कि अच्छा नहीं, मनोरमा ने मोहन बाबू से प्रश्न किया कि ये जो बांसों पर जो दीपक टंगे हुए हैं इनका क्या अर्थ है, अगर अगर आप कहते ही हैं ऐसा है तो इनका क्या अर्थ है? तब मोहन बाबू उत्तर देते हैं कि आकाश यानी आसमान भी असीम है, इन दीपकों को उनकी तरफ बढ़ाया गया है, यहां पर भी मनुष्य ने वही किया है कि ईश्वर के समक्ष अपने आप को संपूर्ण रूप से अर्पण किया है और ईश्वर से उनके दीपकों को जब तक हो सके जलाए रहने की बात की। इतनी बातें करने के पश्चात मोहन बाबू अचानक ही चिढ़ जाते हैं और मनोरमा से कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं पागल हूं, तुम लोगों ने मुझे पागल समझ रखा है। फिर वो कहते हैं कि सभी उनके साथ इस संसार में जितने भी लोग शायद उसके उनके साथ मिले या बातें की, उन्होंने सभी ने उनके साथ विश्वासघात किया। उस समय जिस समय वे मानसिक विप्लवों के दौर में गुजर रहे थे, वे चाहते थे कि शायद पत्नी उस समय उनका साथ दे, पर मोहन बाबू के अनुसार पत्नी ने उनका साथ उस समय नहीं दिया। अब वो कहते हैं कि जिस समय मुझे तुम्हारी जरूरत थी
उस समय भी तुम सामने नहीं आए। अब और मैं यह सह नहीं सकता, मुझे अकपट प्यार की आवश्यकता है जो कि मुझे कभी नहीं हुआ। इन बातों को सुनकर अचानक मनोरमा घबरा उठी। क्यों? क्योंकि उस समय वहां पर राम निहाल मौजूद था और एक परिवार की अंदरूनी बातों को एक पर पुरुष के सामने कहना शायद मनोरमा को सही नहीं लग रहा था। मनोरमा फिर यह भी सोच रही थी कि उनके पति की तबीयत कहीं और बिगड़ न जाए, इसलिए वह उन्हें शांत करने के लिए होने के लिए भी कह रही। तब भी मोहन बाबू शांत नहीं हुए, बल्कि उन्होंने यह कहा कि क्यों शांत हो जा, राम निहाल है इसलिए मैं चुप हो जाऊं, यह जान जाए जानने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से कहते कहते मोहन बाबू की सांसें बढ़ने लगी। अब इस परिस्थिति को देखकर राम निहाल को बड़ा ही अटपटा सा लगा। वह समझ गया कि पति पत्नी के झगड़े, पति पति का झगड़ा जो है वो शुरू हो गया है, अब और बजरे को आगे ले जाना उचित नहीं होगा। इसलिए राम निहाल ने मांझी से कहा, यानी मांझी जो बजरा चलाता है, उससे कहा कि वापस घूम लो, अब चले जाएंगे। बजरा जो है वो मान मंदिर की ओर फिर से लौट चला। राम निहाल मोहन बाबू को देखकर सोच रहा था कि कैसा विकार है उनके मन में, उनका मनोविकार, मतलब ये क्या सोच रहे हैं, ये कैसी बातें कर रहे हैं। फिर इतना सोचते जब वो सोच रहा था तब फिर से मोहन बाबू ने शुरू किया कि ब्रज किशोर को मैं जानता हूं। वह मनोरमा के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा रहा है, ऐसी बात भी मोहन बाबू ने कही और यह भी कहा कि ब्रजकिशोर बाबू मोहन बाबू को पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो समझते हैं। इस बात को देखते हुए मनोरमा वह परेशान हो जाती है और फिर अपने आप को रोक नहीं पाती और अंत में यह कहती है कि तुम व्यर्थ ही मेरे ऊपर संदेह कर रहे हो, अगर चुप न रहोगे तो मेरे लिए जहर मंगा दो ताकि मैं उसे खा लूं या पी लूं और इस झगड़े का अंत, इस संदेह का अंत यहीं पर हो। तो धन्यवाद दोस्तों, इसका अगला भाग मैं अपने अगले वीडियो में शेयर करूंगा। नमस्कार।